साथियों, दिवाली का त्योहार चल रहा है और यह त्योहार पूरे भारतवर्ष में लगभग 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होता है जो कार्तिक मास की त्रयोदशी को आता है। उसके बाद नरक चतुर्दशी, जिसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। फिर अमावस्या के दिन मुख्य दिवाली मनाई जाती है, जिस दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और अंतिम दिन भाई दूज का होता है। इस प्रकार दिवाली का यह त्योहार पूरे 5 दिनों तक भारतवर्ष में मनाया जाता है। साथियों, आज हम दीपावली के इन 5 दिनों के महत्व को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, 5 दिनों में दिवाली का पहला दिन धनतेरस के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरि को समर्पित है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान धन्वंतरि, जो भगवान विष्णु के अवतार है, उनके प्रकट दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसे भगवान धन्वंतरि की जयंती के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। उन्होंने ही मानव समाज को पूरे आयुर्वेद का ज्ञान दिया। इस त्योहार को यम दीपोदान के रूप में भी मनाया जाता है, जिसके पीछे एक अलग कथा प्रचलित है। बहुत समय पहले एक राजा थे जिनका नाम था हेम। उनके एक पुत्र हुआ जिसकी कुंडली में उसकी शादी के 4th दिन सांप के काटने से मृत्यु का योग था। राजा हेम अपने पुत्र की शादी करवा के उनकी पत्नी को कुंडली की सारी बातें बताते हैं। राजकुमार की पत्नी शादी के 4th दिन अपने पूरे घर को सोने चांदी और दीपों से सजा देती है। कुंडली के अनुसार यमराज सांप के रूप में राजकुमार के प्राण हरने के लिए आते हैं, किंतु दीपों की रोशनी और सोने चांदी की चमक के कारण घर के प्रवेश नहीं कर पाते हैं और पूरी रात दरवाजे पर इंतजार करके वापस लौट जाते हैं। तब से धनतेरस पर सोना चांदी खरीदने और दीपक जलाने की परंपरा रही है। धनतेरस के दूसरे दिन यानी चतुर्दशी के दिन यमराज जी की पूजा की जाती है। यानी जीवन में पहले ही जान लेना कि सबको यमराज जी के राज्य में जाना है, यानी मृत्यु निश्चित है। इस दिन का एक और पौराणिक महत्व है भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का वध। नरकासुर, जिसे भौमासुर भी कहा जाता था, उसने अपने अत्याचारों से देवताओं और अन्य जीवों को त्रस्त कर रखा था। देवराज इंद्र ने द्वारिका जाकर भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। नरकासुर ने अलग अलग राजाओं की 16,000 राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन मुक्त किया था। इस विजय की खुशी में पूरे नगर में दीप जलाए गए और इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहते हैं। साथियों, दीपावली के दिन कई मुख्य घटनाएं घटी, जिनमें बहुत पुरानी घटनाएं भी शामिल है व कई नई घटनाएं भी शामिल है। सिख धर्म में आज के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। मुगलों द्वारा आज के दिन ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर रखे गए सिख गुरु हरगोविंद जी एवं अन्य 52 हिंदू राजाओं को मुक्त किया था। तब से आज के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर आप कठो उपनिषद पढ़ोगे तो उसमें यम और नचिकेता का संवाद मिलेगा, जिसमें नचिकेता यम से यानी मृत्यु से आत्मा के रहस्य व मोक्ष से संबंधित प्रश्न करते हैं व यमराज नचिकेता को इन सभी का रहस्य बताते हैं। इसके अलावा भी दीपावली के दिन कई अन्य घटनाएं घटी। पद्म पुराण के अनुसार वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि को पाताल लोक जाने के लिए विवश किया था। बलि ने उनसे प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या तक दीप जलाकर यमराज और महालक्ष्मी की पूजा की जाए। तभी से इस पर्व को दीप दान के साथ मनाया जाने लगा। इस दिन माता काली ने असुर रक्त बीज का संहार किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में बंगाल और उड़ीसा में काली पूजा धूमधाम से की जाती है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, त्रेता युग में रावण पर विजय के बाद भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर वहां दीप जलाकर उनका स्वागत किया गया था। तभी से दीप जलाने की परंपरा बनी आई है। ऐसी कई और भी अन्य घटनाएं हैं जो दीपावली के दिन ही घटी थी। साथियों, गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। इसे अन्नकूट के रूप में जाना जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा करने की कथा से जुड़ा हुआ है। जब इंद्रदेव ने अपनी शक्ति का अहंकार दिखाते हुए भारी वर्षा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर सभी को आश्रय दिया। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्रकृति और पृथ्वी का सम्मान करना कितना आवश्यक है। गोवर्धन पूजा के दिन घरों में गाय, बैल और अन्य पालतू पशुओं को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर अन्नकूट के रूप में अन्न का भोग लगाया जाता है। यह पर्व हमारे जीवन में अन्न, जल और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को समझाने का प्रयास करता है और यह भी कि हमें इन संसाधनों का सम्मान करना चाहिए।
दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का समापन भाई दूज के साथ होता है, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। भैया दूज पर बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र, खुशहाली और समृद्धि की कामना करती है और भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह रक्षाबंधन की तरह ही एक पवित्र पर्व है, जिसमें भाइयों और बहनों के बीच प्रेम और स्नेह को बढ़ावा दिया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमराज जी अपनी बहन यमुना जी से मिलने के लिए उनके घर आए थे। यमुना जी ने उनका स्वागत करते हुए प्रेम पूर्वक भोजन करवाया और उनकी लंबी उम्र की कामना की। प्रसन्न होकर यमराज जी ने बहन को वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से मिलने आएगा और उसका आशीर्वाद लेगा, उसे यम का भय नहीं रहेगा। तभी से भैया दूज का पर्व मनाने की परंपरा रही है। साथियों, आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।